नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अन्नू फूड कॉर्नर में। यहाँ पर मैं लेके आती हूँ आपके लिए नई नई रेसिपीज की वीडियो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में लिया है तेल। तेल में डाली है काली सरसों, साबुत लाल मिर्च, हींग डाली है, कड़ी पत्ता डाल के बढ़िया से इनको जब तक सरसों चटक रही है जब तक चटकने देंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर स्लाइस किए हुए ऐसे प्याज डाली है। प्याज को भी हम सौते कर लेंगे। प्याज के हल्के से सौते हो जाने के बाद, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखना, हल्के से सौते हो जाने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको टेस्ट में अच्छी लगती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली है लौकी और साथ ही ड्रम स्टिक डाली हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं। और सब्ज़ी में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने तो जो घर में अवेलेबल थी वही डाल दी हैं। टेस्ट लाजवाब होने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला, और साथ ही मैंने डाला है यहाँ पर नमक और थोड़ा सा पानी डाल के फिर से सौते किया है। आप कहोगे सांभर बना रहे हैं पाव भाजी मसाला डाल रहे हैं, मेरे पास सांभर मसाला था नहीं। पाव भाजी मसाला डाल के भी आप जब सांभर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि मैंने बना के देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले तुअर की दाल जो है वो भिगो दी थी, और इसके साथ मैंने डाल दिया है यहाँ पर पानी भी। पानी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी और नमक, और दो सीटी आने तक हम जो है इस दाल को उबलने देंगे। और दाल बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, थोड़ी सी खड़ी रखनी है हमें दाल। और यहाँ पर एक बार फिर से मैंने अपने मसाले को चेक कर लिया था। अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाला है गुड़ का टुकड़ा और इमली का पानी भी, और दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, खटास और मिठास, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए ये किया है। दाल भी हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी। देखिए इस तरह की दाल हमें रखनी है, थोड़ा सा दानेदार आपको दाल दिख रही होगी, अभी पूरी तरह से गली नहीं है। अब हम इसको कढ़ाई में गलाएंगे, 15 मिनट के लिए हम इसको इस तरह से उबलने देंगे, और बहुत ही अच्छा जो है सब्जियों में रसा घुस जाएगा, बहुत अच्छे से रसेदार सब्जियां हो जाएंगी। और बहुत बढ़िया, देखिए सब्जियां भी सारी हमारी खड़ी हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा गली नहीं हैं।